प्रॉब्लम वो थिन हेयर्स की, ड्राई हेयर्स की या रफ हेयर्स की, उसका एक ही ट्रेंडी सॉल्यूशन जो चल रहा है वो है होम मेड राइस हेयर स्पा, जो कि आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव, और उसके लाइव रिजल्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इट्स अ चैलेंज फॉर मी, आई हैव फर्स्ट टाइम ट्राइड दिस। उसके लिए आपको चारों इंग्रेडिएंट चाहिए, उबले हुए चावल चाहिए, दही चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए एंड शहद चाहिए। इन चारों इंग्रेडिएंट्स में वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके हेयर्स को शाइनिंग प्रोवाइड करेंगी, स्मूथनेस प्रोवाइड करेंगी, ये ऐसा कहा जाता है। और आज हम इसको ट्राई करने वाले हैं। ये मैंने चावलों में ना, उबले हुए चावलों में मैंने यहाँ पर दही मिला दी है एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए। उसमें मैं 2 टेबल स्पून मिला रही हूँ अब ग्लिसरीन। आपको इसकी कंसिस्टेंसी उस टाइप से बनानी है जैसे कि आपको कंडीशनर या शैम्पू की कंसिस्टेंसी होती है, उस हिसाब से आपको इसकी कंसिस्टेंसी बनानी है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून ग्लिसरीन मिलाया है। ग्लिसरीन हमारे हेयर्स को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करेगा, स्मूथनेस प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैंने हनी मिलाया है 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हनी मिलाया है। प्योर हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने प्योर हनी यूज़ किया है। अब इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एकदम महीन पीसेंगे गाइस। महीन मतलब बिल्कुल महीन, क्योंकि अगर थोड़ा सा बिगाड़ रहा तो आपके बालों में ये चिपचिप करेगा और आपके बालों में जो चावल के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो थोड़े से चावल के दाने हो जाते हैं, वो आपके बालों में चिपचिप करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर महीन पीस लिया है, एकदम पतला पीस लिया है। और उसका जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हो, जैसे हमारा कंडीशनर की कंसिस्टेंसी होती है वैसी है। और एक्चुअली ना, इसको पीसने में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मुझे भी बहुत हुई। यहाँ पर थोड़े से मे भी शायद दाने रह भी गए हैं चावलों के, अच्छे से नहीं पीस पाए मेरी मिक्सी नहीं से, लेकिन आई होप कि आप सब इसको अच्छे से पीस लोगे। वेल, मैं तो ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और अपने को ना अच्छे से कवर कर लेना है एक टॉवल से या किसी भी चीज़ से। तो मैंने अपने कपड़ों को कवर कर लिया, क्योंकि सीरियसली बहुत ही गंदगी फैलने वाली है अगर आपने इसको पतला नहीं पीसा तो। तो इसको ना अपनी रूट से लेकर अपने पूरे ऑल ओवर बालों तक इस टाइप से फिंगर्स में, जैसे आप हेयर स्पा करते हैं ना, अपने करवाते हैं पार्लर में जाके, सो फिंगर से जैसे ये लोग करते हैं, अपने बालों का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर आप यहाँ पर अपने पूरे ऑल ओवर बालों पर स्प्लिट एंड्स तक आप इस पेस्ट को पूरा स्प्रेड करोगे। सो मैंने, आप देख सकते हो, सारे बालों में ये लगा लिया है। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में बताइएगा, बहुत ही गंदी लग रही होंगी, हाँ, जस्ट फॉर मजाक। सो आपको ना इसमें फिंगर से करना है। अब आपको क्या करना है, गीला पानी गर्म करना है, बॉईल करना है एकदम गर्म पानी। उसमें आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या ये टॉवल मैंने यहाँ पर लिया है, अपने बालों को कवर कर लेना है। हेयर स्पा में भी ऐसे ही करते हैं ना गाइस। सो आपको इसमें अपने बालों को पूरे अच्छे से कवर कर लेना और बार बार इस पानी को चेंज करना है, कपड़े को भिगोना है और फिर कवर करना है। यहाँ पर फिर शैम्पू करने के बाद जो मैंने रिजल्ट्स देखे उससे मैं हो गई शॉक्ड। अभी तो मेरे बाल गीले हैं, सो गीले बालों में आप मोटी कंघी से ही अपने कॉम्ब करना बिल्कुल अच्छा रहता है, इससे कि बाल कम टूटते हैं। और लेकिन यार गाइस, देखिए आप इसका लाइव रिजल्ट देखिए, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा स्मूथनेस अपने बालों में फील हुई, बहुत ज़्यादा। मेरे जो बाल हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, सो उसके लिए ना मुझे गीले बालों में कुछ ढंग से पता नहीं लग रहा था। सो मैंने यहाँ पर बालों को थोड़ा सा सुखा लिया है एयर ड्राई कर लिया है। सो यहाँ पर देखिए स्मूथनेस, मतलब मुझे अपने बालों से ना हाथ लगाने का मन नहीं कर रहा। बट हाँ, यहाँ पर स्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रेटनेस नहीं आई है, थोड़ी कम ही आई है स्ट्रेटनेस, स्ट्रेट भी हुए बट उतने नहीं, लेकिन हाँ जो स्मूथनेस है ना। और यहाँ पर अगर आप सीरम भी अपना यूज़ कर लोगे, मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का आर्गन ऑयल का सीरम यूज़ किया है एंड इट्स अ वेरी 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 यूज़फुल सीरम। एंड यहाँ पर सीरम लगाने के बाद जो रिजल्ट्स है ना, मैं उसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। सीरियसली ये हेयर स्पा से बिल्कुल भी कम नहीं है, ये सच में होममेड हेयर स्पा आप इसको बोल सकते हो। मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना अपने बालों में हाथ लगाने में। सो अगर आप ऐसे रिव्यूज़ जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आती रहूँगी आपके लिए। और बेल आइकन ज़रूर दबाना गाइस, लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।